हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अब इलाहाबाद का नाम होगा प्रयागराज। सीएम योगी ने कहा, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं वही करते हैं विरोध। बुढ़िया माई मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, मंदिर की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ और महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में नाथ परंपरा के अनुसार किया अष्टमी की विधिवत पूजा। कहा, शक्ति संग्रह का महापर्व है शारदीय नवरात्रि। खोराबा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की हत्या, मृतक का गांव पुलिस छावनी में तब्दील। मृतक का भी है आपराधिक इतिहास, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सीडीओ की अध्यक्षता में बांसगांव और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर की अध्यक्षता में सदर तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। समस्याओं के समाधान के दिए गए निर्देश। तीन चोरी की बाइक के साथ तीन चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के मजेठिया भवन में आयोजित हुई व्याख्यान माला, प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे ने मुख्य विषय बिंदु पर डाला प्रकाश। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, 25 से महा हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। समय से भुगतान और ज्वाइनिंग लेटर न मिलने पर विद्युत मीटर रीडरों ने दिया धरना। कर विभाग के कर्मचारी के निलंबन का नगर निगम समन्वय समिति ने किया विरोध, कार्य बहिष्कार कर दिया धरना। विभिन्न मांगों को लेकर उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने काली पट्टी बांध कर किया विरोध। टैक्स बढ़ाए जाने पर गोरखपुर मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदस्य हुए आक्रोशित, मिले नगर आयुक्त से दिया ज्ञापन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा के स्थल को सुंदरीकरण के नाम पर छोटा किए जाने, हिंदू मुस्लिम एकता मंच ने किया प्रदर्शन। पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक विभाग के तत्वाधान में अधिकारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए योग कार्यशाला एवं प्रशिक्षण सेशन 2 का किया गया आयोजन। एमएसआई इंटर कॉलेज में चल रहे हॉकी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की बालिकाएं और फैजाबाद के बालकों ने लहराया परचम, बने फाइनल के विजेता। और श्री श्याम गुणगान समिति द्वारा 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित होगा श्री श्याम महोत्सव और 1008 श्री श्यामा अखंड ज्योति पाठ।